हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन केमिस्ट्री क्लासरूम लर्न केमे. तो टू कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर द सॉलिड स्टेट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पैकिंग इन सॉलिड्स. ओके, अब सॉलिड्स के अंदर जो पैकिंग है, हम इसको तीन स्टेप्स में समझेंगे. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप. वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन. ठीक है, वन डायमेंशन आपको पता है, सिर्फ लेंथ वाइज इंक्रीज होगी, देर विल बी नो विड्थ. टू डायमेंशन में जो क्रिस्टल है, इट ग्रोज अलोंग लेंथ एज वेल एज इन ब्रेथ, मीन्स एज अ प्लेन ऑफ पेपर लेंथ एंड विड्थ. नाउ अगर आप वन डायमेंशन को देखें, तो जो स्फीयर्स हैं, हम एटम्स को एज अ स्फीयर मानते हैं, तो दे आर अलाइंस्ड. जैसे आप लोग मॉर्निंग असेंबली में जाते हो ना, लाइंस में खड़े हो जाते हो वन आफ्टर वन, तो उसी तरीके से ये सारे के सारे सीधी लाइन में लगे हुए हैं. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मींस एक पर्टिकुलर स्फीयर अपने नियर बाय कितनी एटम्स के साथ क्लोज टच में आ सकता है, क्योंकि ये एक ही लाइन होगी, तो इसको मैंने शेडेड किया है, ये सिर्फ दो को टच करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, टू. अगर जरूरी नहीं है इसको नंबर टू वाले को लेना, मैं इसको ले लेती हूँ, तो ये भी कितनों को टच कर रहा है, वन एंड टू. तो वन डायमेंशन के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या रहेगा, टू. ओके, नाउ लेट्स सी पैकिंग इन टू डायमेंशन. अब देखो, टू डायमेंशन के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेंथ और विड्थ दोनों साइड में जो है वो पैकिंग होनी शुरू हो जाएगी. तो ये रही फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो. तो लेट इट बी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो. अब आप देखो, अगर मैं इसको देती हूँ ए, ठीक है, तो ये भी तो ए जैसा है, ये भी ए जैसा है, सारा एक जैसा, स्फीयर के ऊपर स्फीयर, बिल्कुल एक लाइन में. ठीक है, अब ये जो शेडेड वाला है, ये कितनों से टच कर रहा है, वन टू थ्री एंड फोर, ये इससे दूर है, ये क्लोज टच में इसके साथ नहीं आ पा रहे. तो अगर मैं इनके सेंटर को ज्वाइन करती हूं, तो ये बन गया स्क्वायर. तो इस पर्टिकुलर पैकिंग को, जहां स्टैकिंग वन आफ्टर अनदर रो है और बिल्कुल एक ही अलाइनमेंट में है, इट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग. और ये जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, ये किसके अंदर है, टू डायमेंशन के अंदर. ठीक है, अब एक तरीका तो ये हो गया, अब देखते हैं दूसरी साइड. अब इसमें क्या है, ये रही फर्स्ट रो, दिस इज ऑफ ए टाइप. अब दूसरी वाली बिल्कुल इसके ऊपर नहीं आ रही है, कहाँ आई, ये दोनों ज्वाइन किए और इसके बीच में ये जो डिप्रेशन बना, ये उसमें फिट हो गया, ये ज़्यादा क्लोज पैक हो गया. तो ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड और ये थर्ड. तो ये है ए, ये है बी, और ये कौन सा अरेंजमेंट आ गया, फिर से ए. तो आप देख पा रहे हो, एक दो तीन चार पाँच छः, सिक्स नियरेस्ट स्फीयर्स के साथ ये वाला शेडेड वाला स्फीयर जो है वो क्लोज टच में है. तो अगर मैं अब इन, जैसे पहले हमने किया था, इनके सेंटर्स को जोड़ते हैं, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. देखिए कौन सा फिगर बन रहा है, दिस इज हेक्सागन. हेक्सागन मींस सिक्स. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, सिक्स, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, फोर. स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इसको हम क्या नाम देंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. ठीक है, तो इसके अंदर आप देखिए, ये खाली जगह, ठीक है, अब ये स्क्वायर आप देख चुके हैं, ये देखिए खाली जगह. मैं इसको ऐसे चेक दे देती हूं, सो दैट ये आपको इजीली विजिबल हो, है ना, ये देखिए खाली जगह. ठीक, अब दूसरी साइड देखिए, ये खाली जगह देखो. तो आप देख पा रहे हो, इसमें ये मैंने जो चेक चेक बनाए हैं, बड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्लियरली आपको विजिबल होंगे. तो यहां पे बहुत ज्यादा खाली जगह है, और इधर खाली जगह बहुत ही कम है. ठीक है, तो अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें, तो इसके अंदर पूरे क्रिस्टल का ओनली 52.4% जो है, इट इज ऑक्यूपाइड. टोटल क्रिस्टल की जो स्पेस है, उसका कितना ये ऑक्यूपाई करता है,
52.4% और इसके अंदर कितना है ऑक्यूपाइड 60.4. तो हेक्साकोनल क्लोज पैकिंग इज मोर क्लोजली पैक्ड एज कंपेयर टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग. तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, मींस इसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा रहते हैं और इसमें क्या रहते हैं कम. तो ये था पैकिंग इन वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन, इसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. तो अब हम बात करेंगे थ्री डायमेंशन के अंदर पैकिंग कैसे होगी, क्योंकि यहां पे तो सिर्फ हम लेंथ और विड्थ की बात कर रहे हैं. अब जो क्रिस्टल है वो हाइट वाइज भी इंक्रीज करेगा. ये एक लेयर है, इस लेयर के अंदर अलग अलग रोज थी. अब ये इस लेयर को मैं ऐसे बना रही हूं, अब इसके ऊपर एक और लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर, ये किस तरीके से ग्रो करेगा लेट्स सी दैट. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए थ्री डायमेंशन के अंदर हम पैकिंग करेंगे तो थ्री डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी आएगी और हेक्सागोनल भी आएगी. तो कंसेप्ट को ध्यान से आपने सुनना है. ये वाली जो डार्क लाइन है दिस इज लेयर ए, राइट. अब मुझे स्क्वायर क्लोज पैकिंग करनी है तो आपको पता है ये फर्स्ट लेयर की एक दो तीन रोज हैं, इसी के ऊपर अगली लेयर रखी जाएगी. तो क्योंकि स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर सफियर के ऊपर सफियर आता है, इन दोनों की डिप्रेशन के बीच में नहीं आएगा, तो सेकंड जो हमारी लेयर बनेगी वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर आएगी. तो उसको मैंने ऐसे डॉटेड लाइन से शो किया है कि अगर आप ऊपर से उसको देखें तो आपको इस तरीके से नजर आएगा कि ये जो सेकेंड लेयर है वो फर्स्ट वाली लेयर को कवर कर रही है, ठीक है. तो अब अगर इसी के ऊपर, ऐसा नहीं है कि ये वाला सफियर उनसे छोटा है, मैंने जस्ट आप लोगों को डिफरेंशिएट करने के लिए इसके ऊपर इसको स्टैक करके बताया है. तो दिस इज लेयर ए एंड दिस इज लेयर अगेन ए, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं. अब अगर इसके ऊपर मैं थर्ड लेयर रखती हूं तो चलिए थर्ड लेयर को मैंने कैसे बना दिया, ऐसे कर्ल में. तीसरी लेयर को मैं ऐसे कर्ल में शो कर रही हूं. तो इस तरीके से अब ये वाली जो लेयर आई, कर्ल वाली लेयर आई इसके ऊपर, तो तीनों की जो सेंटर, तीनों का जो सेंटर है वो एक ही है. तो फर्स्ट लेयर थी स्ट्रेट लाइन ए, सेकंड लेयर थी ये वाली डॉटेड लाइन, ये भी ए. अब थर्ड लेयर कौन सी आई, ये वाली, तो ये भी क्या है ए. तो आप देख सकते हो, चलो इसको मैं ऐसे बनाती हूँ, ऊपर है ये ए. अब देखो मैं अगर यहाँ बनाती हूँ, ये रही फर्स्ट लेयर, ये रही सेकेंड लेयर, दिस इज फर्स्ट लेयर, दिस इज सेकेंड लेयर, और अभी देखो इसके ऊपर मैंने तीसरी लेयर बना दी, तो ये बन गई थर्ड लेयर. लेकिन कॉमन क्या है, तीनों ही क्या है ए टाइप. तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो पैटर्न है दैट इज ए ए ए ए, इसका पैटर्न रहता है ए ए ए. अब सबसे जो अच्छी बात है इसके अंदर, जब इस तरीके की पैकिंग होती है, मैं आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके बताती हूं. जरा आप कैमरा इधर रखेंगे. अब ये देखिए, ये वाला कॉइन है बीच में और ये चार से टच कर रहा है स्क्वायर क्लोज पैकिंग. ये इसकी फर्स्ट लेयर, ये जो बीच का खाली गैप आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड वॉइड, खाली जगह मतलब वॉइड. अब मैंने सेकंड लेयर रखनी है इसके ऊपर, तो आपको पता है ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर आएगी ऐसे. अब आपको फर्स्ट लेयर दिखाई नहीं देगी नीचे, क्योंकि सेकेंड लेयर फर्स्ट लेयर को कवर कर जा रही है. तो ये दो लेयर्स होगी, ठीक है. ये देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहा है पूरा. ये रही वाइट वाली जो कॉइन्स हैं इसकी कैरम बोर्ड की, तो ये ए लेयर और ये बी लेयर. चलिए मैं इसके ऊपर स्टैक करती हूँ थर्ड लेयर. तो देखो ये थर्ड लेयर में रख रही हूँ, जो मैंने बोर्ड के ऊपर आपको कर्ल्स टाइप में दिखाया है, कर्लिंग कर्लिंग में दिखाया है. तो ये तीनों लेयर्स बन गई ए ए ए. तो अब आप देख पा रहे हो दिस इज फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर. अब जरा ऊपर से दिखाइए, देखिए
ऊपर से आपको क्या नजर आ रहा है? जैसा मैंने बोर्ड पे बनाया, सिर्फ ऐसे लग रहा है कि एक ही लेयर है, जबकि इसमें एक लेयर नहीं है, कितनी लेयर्स लगा दी मैंने? तीन। ठीक है, तो ये रहा ए ए ए पैटर्न। अब मैं इसी में एक चीज आपको दिखाती हूं, जरा इधर फोकस करिए साइड में। ये मैंने थर्ड लेयर हटा दी, ठीक है, ये थर्ड लेयर मैंने हटा दी। अब देखिए, ये मैंने एक यूनिट सेल उठा लिया, इसको मैं साइड में कर देती हूं, और ये बन गया यूनिट सेल। चार एटम्स नीचे और चार एटम्स ऊपर। आपको कौन से वाला स्ट्रक्चर ध्यान में आ रहा होगा? ये चार एटम्स नीचे और ये चार एटम्स ऊपर वाली लेयर में, क्या बन गया ये? काइंडली फोकस हियर, क्या बन गया ये? दिस इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और इसको क्या बोलते थे हम? प्रिमिटिव। ठीक है, तो चार एटम्स नीचे, चार उसके बिल्कुल ऊपर। तो ये जो एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग का यूनिट सेल है, इट गिव्स राइज टू सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर देखें। आपको पता है अपनी लेयर में स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वो जो अपनी लेयर रहती है उसमें वो कितनों के साथ टच करता है? लेट मी टेक योर रेड कॉइन। तो देखें, अपनी लेयर में वो चार के साथ कंबाइन कर रहा है, ये रेड कॉइन नीचे एक से टच कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ऊपर है, ये देखिए। और अब अपनी लेयर में आएगा तो एक दो और चार, अपनी लेयर में कंबाइन करेगा ये चार के साथ, ठीक है। और अपने से ऊपर वाली थर्ड लेयर में एक के साथ। तो अपनी लेयर के अंदर एक दो तीन चार, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, तो टोटल कितना हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर? सिक्स। तो हमेशा याद रखना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सिक्स। ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन रहता है, वन मार्क का। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इट इज ऑलवेज सिक्स, क्योंकि ये बनता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, और स्क्वायर में अपनी लेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है फोर, वन अबव द प्लेन एंड वन बिलो द प्लेन। ठीक है, अब जरा इधर फोकस करें, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें। ये मैंने फर्स्ट लेयर बनाई है, दिस इज लेयर ए। अब इस लेयर में दो तरह के वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, एक ट्रायंगल ऊपर को है, एक ट्रायंगल नीचे को, एक ऊपर को एक नीचे को, हर जगह पे ऐसा ही है। तो मैं ऐसा करती हूं, मैंने ये जो ऊपर को है ट्रायंगल्स, मैंने उनको ऐसे डार्क कर दिया, तो ये मैंने ए वाली ट्रायंगल्स को डार्क कर दिया। ठीक है, अब सेकेंड लेयर जो है, अब आप चाहे ए को कवर करें तब भी हमारा स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, अगर आप बी को कवर करते हैं तब भी वो तीनों एटम्स के ऊपर आएगा। तो सेकेंड लेयर हर हाल में फर्स्ट लेयर से डिफरेंट आएगी। चलिए, ये मैंने ए वाले वर्ड को कवर कर दिया और मैं इसको डॉटेड में ले रही हूं। सेकेंड लेयर जो हम बना रहे हैं, इसको मैंने डॉटेड में ले लिया। ठीक है, अगेन यहां पे भी, अब आप देखिए सेकेंड लेयर के अंदर एक और नई तरह के वॉइड्स बन गए, एक इधर को और दूसरा इधर को। तो इसको मैंने नाम दिया सी और इसको मैंने नाम दिया डी। ऐसे ही जो ऊपर को है सी और जो इधर नीचे को बनेगा, इट विल बी डी। अब इनके बीच में जो खाली जगह, अब सेकेंड लेयर बनी तो बीच में कुछ ना कुछ वॉइड्स बने हैं, वो वॉइड्स क्या हैं? वो थर्ड लेयर से, थर्ड लेयर के लिए प्रोसीड करने से पहले आपको उन वर्ड्स के बारे में जानना होगा। तो पहले हम उसके बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर वो कौन कौन से वर्ड्स हैं। ये है टेट्राहेड्रल वर्ड, दो तरह के रहते हैं, और दूसरा है ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ठीक है, वर्ड्स मतलब खाली जगह।
टेट्राहेड्रल कैसे? तीन एटम्स, तीन स्फीयर्स एक प्लेन में, और ये जो डॉटेड लाइन है दिस इज सेकंड लेयर, दिस इज लेयर ए एंड दिस इज लेयर बी. तो जब चार स्फीयर्स, व्हेन फोर स्फीयर्स आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट इन द फॉर्म ऑफ अ टेट्राहेड्रल, तो इसके बीच में जो खाली जगह है दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड. और जब सिक्स स्फीयर्स दे आर इन क्लोज टच, लाइक जैसे एक ट्राइंगल होती है इक्विलेटरल, आप देख सकते हो ये दो स्फीयर ऊपर और एक नीचे, और सेकंड लेयर में दो स्फीयर नीचे हैं और एक स्फीयर ऊपर, तो इनके बीच में ये जो खाली जगह बनी है दिस इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड. अब जरा इधर फोकस करें. फर्स्ट लेयर के अंदर ये तीन नीचे और ये इसको ऊपर से कवर कर रहा है, तो ये बीच में जो जगह बनी दैट इज टेट्राहेड्रल. ठीक है, अब देखिए ये एक दो तीन, और इसके ऊपर कौन बना? ये डॉटेड लाइन देखो, ये एक, ये दो और ये तीसरा, तो इनके बीच में ये वाला जो वॉइड बना, ध्यान से देखिए कौन सा बन रहा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ठीक है, अब जो थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर रखने के लिए मैं कलर्ड पेंसिल्स का यूज करती हूं. अब मैं वहां से आपको दिखाती हूं. सेकेंड लेयर के लिए हमने यूज किया है ग्रीन कलर. ये किसको कवर कर रहा है? वॉइड ए को. देखिए ए, ए को कवर किया, और ग्रीन कलर जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग सेकेंड लेयर. अब सेकेंड लेयर में देखिए न्यू वॉइड्स आ गए, इसको मैंने मार्क किया है सी, और ये रहा डी, ये रहा सी, और ये नीचे वाला डी. अब देखो मुझे थर्ड लेयर रखनी है. अब ये जो ए को कवर करके वॉइड बना है ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है बीच में, और इधर देखिए ये नीचे है रेड कलर, ऊपर को एक और नीचे को दो, और उसके ऊपर क्या आई? ग्रीन कलर वाली, ये दो ऊपर और एक नीचे. तो अगर मैं इसको कवर करती हूँ वॉइड सी को, दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अगर मैं इसको कवर करती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा, तो थर्ड लेयर वो जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी. अब देखिए थर्ड लेयर का हम किस तरीके से रखेंगे. देखिए जिस वक्त हमने इस सी वाले वॉइड को कवर किया, मींस ऑक्टाहेड्रल को, ऑक्टाहेड्रल कैसे था? नीचे देखिए रेड वाले जो तीनों स्फीयर्स हैं, दो नीचे और एक ऊपर, और ग्रीन वाले दो ऊपर और एक नीचे, और ये जो कवर कर रहा है किसको? ब्लू कलर से जिसको कवर कर रहा है, दिस इज थर्ड लेयर. तो जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं तो लेयर कौन सी आ रही है? दिस फर्स्ट लेयर इज ए, सेकंड लेयर इज बी, एंड थर्ड लेयर कौन सी आ गई? सी. तो ये पैटर्न कौन सा बना? ए बी सी, ए बी सी पैटर्न. फोकस हियर. अब देखिए ये नीचे रेड कलर का एक स्फीयर लेयर ए, इसके ऊपर तीन ग्रीन स्फीयर्स, तो ये इसके साथ कौन सा वॉइड बना रहे हैं? टेट्राहेड्रल. ठीक है, तो डी को जब कवर कर रहे हैं, डी इज फॉर्मिंग हियर टेट्राहेड्रल वॉइड, जब हम इसको कवर कर रहे हैं तो डी बिल्कुल फर्स्ट वाले के ऊपर आ रहा है. तो मींस फर्स्ट लेयर इज ए, फर्स्ट लेयर इज ए, सेकंड लेयर इज बी, एंड थर्ड लेयर इज अगेन ए. तो आपने देखा थर्ड लेयर रखने का तरीका, जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं तो ए बी सी पैटर्न आता है, और जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं तो कौन सा पैटर्न आता है? ए बी पैटर्न. तो ये है क्लोज पैकिंग इन हेक्सागोनल टाइप. ये रही फर्स्ट लेयर, ये ऊपर वाला वॉइड है ए और नीचे वाला है बी, ए बी ए बी. ठीक है, दीज आर वॉइड्स, खाली जगह जो रहती है, और ये हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं. अब देखिए ये मैंने ए को कवर किया, सेकेंड लेयर बनाते हुए मैंने ए को कवर किया. अब आप ध्यान से देखिए नीचे हैं तीन, एक दो तीन, और ऊपर आ गई एक, कौन सा अरेंजमेंट हुआ? टेट्राहेड्रल.
अब ये एटम देखिए कितना हुआ, एक दो तीन टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट देखिए ये कौन सा अरेंजमेंट बनता जा रहा है, टेट्राहेड्रल। अगेन अगले वाले को भी हम कवर कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये हमारी सेकेंड लेयर हो गई। अब मेरा अगला पॉइंट क्या था, अब यहीं पे हम चेक करेंगे कितने तरह के वॉइड्स बन रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये नीचे एक एक दो तीन, और ये देखिए ऊपर भी आ गई तीन, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये दो इधर और एक ऊपर, ये दो ऊपर और ये एक नीचे। जरा इधर फोकस करें, और ये वाला जो वॉइड बना है इनके बीच में, दिस वन, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। और आप देखिए अगर मैं इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करती हूं, सी ये तीनों लेयर्स हमें अलग अलग दिखाई दे रही हैं, ये एक दूसरे को कवर नहीं कर रही। देखिए इट इज क्लियरली विजिबल, फर्स्ट लेयर मैंने व्हाइट कॉइन्स लिए हैं, सेकेंड लेयर में ब्लैक लिया, और थर्ड लेयर जो है आप देख सकते हो वो बिल्कुल भी फर्स्ट वाले को कंसाइड नहीं कर रही, ठीक है। अब इसी में मैं देखती हूँ थर्ड लेयर रखने के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ है। अब ये देखें जरा इधर, ये नीचे एक दो तीन, और ये रही चौथी एटम, और ये क्या बन गया, इनके बीच में कौन सा वॉइड बना, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे जब, तो लेट्स सी ये कौन सा अरेंजमेंट हमें देगा। यहां टेट्राहेड्रल वॉइड था, ठीक है, और इधर ऑक्टाहेड्रल, इधर ऑक्टाहेड्रल, तो ये लीजिए, ये लीजिए। अब देखो इस तरीके से क्रिस्टल की ग्रोथ आगे बढ़ेगी, ये देखो इधर, ये नीचे एक दो तीन, और ये देखो मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर दिया। अब आप देखिए जैसे आपको पहले दिखाई दे रहा था ना तीनों लेयर्स अलग से, अब तीन लेयर अलग से दिखाई नहीं देंगी, मैं इसको भी कवर कर देती हूँ, ये लीजिए मैंने इसको भी कवर कर दिया, ये लीजिए। तो देखें बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आ रही है फर्स्ट और थर्ड लेयर, चेक कर सकते हो आप। तो इस तरीके से जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं तो ये क्या बन जाती है, ए बी सी पैटर्न, और जब टेट्राहेड्रल को कवर करते हैं तो ए बी पैटर्न। अब मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करनी है, ठीक है, तो ये मैंने अपने प्लेन को दिखा दिया, अपने प्लेन में ये टोटली कितनों को टच कर सकती है, ओनली सिक्स, आप जानते हैं अच्छे से, और ये देखिए नीचे कितनों से टच कर रही है, तीन। अब अपने ऊपर जो इसके लेयर आएगी उसमें कितनों को टच कर सकती है, उसमें भी तीन। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, अपने में सिक्स, अपने से नीचे तीन, और अपने से ऊपर भी तीन, टोटल हो गया ट्वेल्व। अब यहीं से मैं आपको एक चीज और क्लियर करती हूं, जरा देखिए नीचे एक दो तीन, दो स्फीयर ऊपर थे और एक नीचे, है ना। अब देखें ये सेकेंड लेयर हो गई, अब थर्ड लेयर में अगर मैं इसको ऐसे रखती हूँ, दो कॉइन ऊपर और एक नीचे, रेड वाले कॉइन के हिसाब से मैंने क्या किया, पहले भी दो ऊपर और एक नीचे, फिर बी और ऊपर सेम आ गया, तो कौन सा पैटर्न हुआ, ए बी ए, मैंने चेंज कर दिया, मैंने इसको ऊपर किया और इनको नीचे, अब एक ट्रायंगल नीचे को है और एक ट्रायंगल का जो वर्टिस है वो ऊपर को है, तो कौन सा अरेंजमेंट हो गया, ए बी सी अरेंजमेंट। नाउ काइंडली फोकस टू बोर्ड, दिस इज लेयर ए, दिस इज लेयर बी, एंड दिस इज अगेन लेयर ए, क्योंकि ये अरेंजमेंट सेम है, दो इधर एक ऊपर, दो इधर ये उधर, और इधर देखिए ये ट्रायंगल नीचे को है और ये ट्रायंगल ऊपर को है, तो दिस इज ए बी सी अरेंजमेंट, आपको मैंने वहां पर डेमोन्स्ट्रेट करके बताया है। तो
ए बी ए अरेंजमेंट एंड ए बी सी अरेंजमेंट. ऑक्टाहेड्रल के अंदर दो तरह से लेयरिंग होती है, आइदर इट इज ए बी पैटर्न और ए बी पैटर्न और ए बी सी पैटर्न. लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास क्या रहेगा, 3, 6, 3, दोनों में सेम, टोटल 12. तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड फेस सेंटर, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इन दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इट इज ऑलवेज 12. ठीक है, अब एक लास्ट इसके साथ रिलेटेड थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहती हूं. नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं. लेट देयर आर प्रेजेंट एन स्फीयर्स इन अ क्रिस्टल, तो टेट्राहेड्रल होंगे 2n और ऑक्टाहेड्रल होगा n. क्यों? क्योंकि जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है ये फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर, अगर मैं इसी के ऊपर थर्ड लेयर रखूं, वो चाहे हम इधर को बना दें, ये थर्ड लेयर, तो ये वाली जो स्फीयर है आप देखिए, एक टेट्राहेड्रल ऊपर को बना रही है और एक नीचे को बना रही है, तो इसलिए नंबर क्या होगा, डबल. लेकिन ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ये चीज आती है, तो दो ही लेयर्स होती हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम एक ही होगा और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, दो, क्योंकि जो सेकंड लेयर में कॉइन है वो नीचे वाले के साथ भी टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएगा और ऊपर वाले के साथ भी. यहां देख लेते हैं एक बार, ये देखिए ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनाया हुआ है बीच में, नीचे तीन एटम्स और ऊपर एक. ठीक है, अब सेम पैटर्न, सेम पैटर्न, ये देखिए ये ऊपर वाले के साथ भी कौन सा वॉइड बना रही है, देखिए ऊपर वाले के साथ भी इसने क्या बना दिया, एक नीचे और ऊपर तीन, अगेन टेट्राहेड्रल. तो ये जो ब्लैक वाला कॉइन है नीचे भी टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है और ऊपर भी टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है. जरा आप यहां फोकस करेंगे, ये देखिए थ्री स्फीयर्स दे आर इन क्लोज टच. ठीक है, अब ये मैंने स्फीयर रखा इसके ऊपर, तो ये बन गया टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट. मैं इसको उठा के दिखा देती हूं, ये देखिए. ठीक है, अब ये बीच में खाली गैप देखो, टेट्राहेड्रल वॉइड. ठीक है, जरूरी नहीं इसके अंदर ही होगा, मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रही हूं, ये लीजिए इधर भी टेट्राहेड्रल है ना. ओके, मैं और चेंज कर देती हूं, ये लीजिए सेम चीज, हर साइड से सेम चीज आएगी. अब देखो अगर ये वाला स्फीयर जो है ये नीचे वाली, तो ये वाला स्फीयर नीचे भी टेट्राहेड्रल बनाएगा और इसके ऊपर मैं अगर तीन रख दूं तो उनके साथ भी, इसलिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने रहेंगे हमेशा दो और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने रहेंगे एक. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.